दिस कॉन्फ्रेंस विल सबसे नाउ बी ऐसे रिकॉर्डेड। माविया बेटा, आप ये बताओ कि बेसिक क्राइटेरिया क्या है। हमने क्वेश्चन में से ये देखना हो, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करनी है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी। इससे एक पहला स्टेप मैंने आप लोगों को बताया है, वो क्या है? सर वो बेसिक एक चीज मैंने आपको बताई है कि अगर वो ना हो तो आपने आगे नहीं बढ़ना, उसका मौजूद होना चाहिए। सर एम्प्लॉय का नहीं, एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप होगा तो वो सैलरी में आएंगे। जब आपका एम्प्लॉयमेंट आपने रिलेशनशिप डेवलप हो गया, उसके बाद क्या करेंगे? एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप हो जाएगा आपका फाइनलाइज, तो फिर उसके बाद आप देखेंगे क्या बेसिक सैलरी मिल रही है या उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसके एम्प्लॉयर की तरफ से, उसके हिसाब से फिर उसकी टैक्सेबल अमाउंट की वर्किंग होगी। मेरा ये सवाल है कि जो लाइन भी आपको पेपर में गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर, उसमें पहली चीज क्या सोचनी चाहिए हमें? जो फर्स्ट चीज है वो क्या है उसकी? वही जो आपने अभी बताई है कि सबसे पहले देखना है कि इनके दिन में रिलेशनशिप एम्प्लॉयमेंट पे है या नहीं। वो तो हम सैलरी में आ गए, उसके बाद एक चीज बताई हुई है, मुनीब जावेद। यस बेटा वो क्या बेसिक चीज मैंने बताई है कि आपने एग्जाम में वो देखनी लाजमी है कि क्या इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा, वो क्या चीज डिसाइड करेगी? अच्छा ये बताएं कि अगर किसी एम्प्लॉय को घर दिया जाए 1 कनाल का या 10 मरले का, यस तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? सॉरी सर अगर किसी एम्प्लॉय को उसका एम्प्लॉयर घर दे उसके रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या सर ट्रीटमेंट करेंगे आप एग्जाम जी में उसका? जी बेटा, क्या उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा उस घर की? फॉर एग्जांपल वो घर जो है 5 करोड़ रुपए का है, क्या करें उसका? सर उसका 45%। हाँ जी, हाँ जी, शाबाश, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, कैरी ऑन, कीप इट अप। घबराओ नहीं बेटा, गलत बताओगे तो सही पता चलेगा ना आपकी। अगर चीज आप बताओगे तो आपको समझ आएगी कि अच्छा यार, सर ने ये पूछा था, मैंने ये बताया था, ये आंसर ठीक नहीं है। चीज गलत बताना ये भी आंसर होता है, घबराया ना करें आप। 45% क्या करेंगे उसका? सर ये भी मुझे जी, मुआविया, मुआविया आप उसकी बताना। हाँ जी, सर उसकी कॉस्ट या फिर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, या तो उसको कंसीडर करेंगे और या फिर उसकी बेसिक सैलरी का 45% देंगे, इन दोनों में से जौन सी चीज हायर होगी वो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी। मैं कहता हूं कि एक घर है जो 5 करोड़ रुपए का है, ठीक है, ठीक है उसकी घर की जो कॉस्ट है वो 5 करोड़ रुपया है, ठीक है। ये एम्प्लॉय को दिया गया रहने के लिए, ये एम्प्लॉय को दिया नहीं गया, उसको सिर्फ रहने के लिए दिया गया है। इसकी सैलरी में मैं क्या ऐड करूं, ये मुझे बताओ, कैसे इसको मैं कैलकुलेट करूं? रूल क्या बताया आपने, क्या लिखा है मुआविया अपनी कॉपी के ऊपर? सर, मैंने अपनी कॉपी पे ये लिखा हुआ है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू या फिर उसकी जो कॉस्ट है उसको कंपेयर करेंगे उसकी बेसिक सैलरी के 45% के साथ। चले, एक चीज आपने लिखी है कि जब अकोमोडेशन होगी तो उसकी जो बेसिक सैलरी है या एमटीएस, उसका फोर्टी सर फाइव परसेंट लेंगे, एक चीज ठीक हो गई। ठीक और फेयर मार्केट वैल्यू किस चीज की लेंगे? सर, उसके उस घर के उस वक्त के जो एक्चुअल रेंट होगा उसका।
शाबाश, उसका जो रेंट होगा या उसकी घर की फेयर मार्केट वैल्यू या हाउस रेंट यस अलाउंस एग्जाम में गिवन हो, विच एवर इज हायर, उसकी सैलरी में ऐड करेंगे। ठीक यस सर है, ये जो मैंने कॉस्ट लिखा है उस घर की, क्या ये मेरी अकोमोडेशन के लिए रेलिवेंट है? हाँ, नो सर ये मेरे लिए रेलिवेंट नहीं, मुझे एग्जाम में इसको इग्नोर करना है। अच्छा, अगर रेंट एग्जाम में गिवन ही ना हो तो फिर क्या करेंगे आप? अगर सिर्फ वो ये वर्ड लिखा हो, अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, तो सर फिर उसकी अगर बेसिक सिर्फ ये सैलरी का ही लिखा, फोर सर उसकी सिर्फ बेसिक सैलरी का 45% लेंगे और उसी अमाउंट को टैक्सेबल कर देंगे। शाबाश, एक्सीलेंट मेरा बेटा। जी मुआविया, आपने पहले क्या किया हुआ है? एफएससी की है या आईकॉम करके आए हो? सर आईकॉम किया हुआ है माशाल्लाह, टैक्स पहले भी पढ़ा कभी? नो सर पहली दफा पढ़ रहे हो। यस सर अच्छा मुआविया, ये मैं अगर वर्ड बोलता जाऊं, उसका जो बेसिक ट्रीटमेंट बताते जाओगे, टोटली टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है या नो ट्रीटमेंट, बस आपने ये बताना है। ठीक कोई और है है आपकी क्लास में ऐसा जानदार आदमी जो कहे यस सर मैं बताऊंगा, आप मुझे पूछे सर यस सर मैं शेफ के बताऊंगा अलावा? और शेफ के अलावा कोई और? मुआविया ने भी बता दिया, मुआविया की भी ठीक है तैयारी। जी, कॉपी से देख के ही बताएं, मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ कॉपी से देख के ही बता दें। जी भाई, आपकी पूरी क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है? और कोई लड़की हिम्मत कर ले बेटा, मेरे ख्याल मर्दों में तो इतना दमखम नहीं मुझे नजर आ रहा, कोई लड़की हिम्मत कर ले क्लास में। मैं बता दूंगा सर दाऊद सर दाऊद, माशाल्लाह जी। अच्छा दाऊद, मैं लिखता जा रहा हूँ, आपको नजर आएगा, बस आपने उसका ट्रीटमेंट बताते जाना है। ठीक है, सर ये हुई ना बात। देखे ना, जैसे ही मैंने औरत का नाम लिया है तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार, अब तो इंतहाई हो गई है। अच्छा दाऊद, ये मैं लिख रहा हूँ एक वर्ड, आपने उसका मुझे ट्रीटमेंट बताना है, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? नंबर वन, टोटली टैक्सी शाबाश, टोटली टैक्सेबल। अच्छा नंबर टू, हाउस रेंट अलाउंस, सर ये भी सर टोटली टोटली टैक्सेबल टोटली टैक्सेबल। और अगर एम्प्लॉय को कार दी जाए? कार से सर तो सर इसका सर वो 10% और सर जो 5% आपने बताया था सर वो इसका क्या करेंगे? सर देखिए बेटा, उसकी ये यूटीसी एसेट सर है ना। देखेंगे हाँ जी हाँ सर ठीक है, कॉस्ट ये गाड़ी कॉस्ट और सर उसकी वो देखेंगे जी सर आपने एफएससी की है, आईकॉम किया हुआ है? एफएससी की है सर वो इंजीनियरिंग सर एफएससी की एफएससी, दाऊद एक चीज याद रखना कि जब भी कोई एसेट दिया जाएगा ना, तो सबसे पहले डिसाइड किया जाएगा ये एसेट यूज के लिए दिया गया या ट्रांसफर किया गया। अगर ओके ट्रांसफर सर किया जाएगा तो फिर उसकी सैलरी में जो अमाउंट आएगी वो आएगी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू माइनस उसकी पेमेंट जो एम्प्लॉय ने की। ठीक जी सर है, वो उसकी उसमें आएगी, ये बात जहन में यस रखनी है। यानी मार्केट से जितना सस्ता दिया गया वो जो डिस्काउंट है वो उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, वो जो एम्प्लॉयर ने उसको बेनिफिट दिया हुआ है। और ओके यूज का सर आप जो है वो बता रहे थे कि यूज के अंदर हम देखेंगे कि क्या वो पर्सनल यूज में है, तो उसका 10% और 5%। परसेंट अच्छा, ये किसका यस 10 और 5% लेंगे, ये दाऊद बताओ। सर इसी कोर्स का या फिर उसका सर जो फेयर मार्केट वैल्यू जो एफ एम अगर वी का सर एग्जाम में पेमेंट कॉस्ट भी गिवन हो और एफएमवी भी गिवन हो जी तो सर किसका आप लेंगे, कॉस्ट का या फेयर मार्केट वैल्यू का? सर सर अगर एग्जाम डिपेंड में कॉस्ट भी गिवन है 100 और ये 150 उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो यस आप सर इस इन इन परसेंटेजेस को किससे मल्टीप्लाई करोगे? सर कोर्स से सर डिपेंड करता है सिचुएशन पे सर कोर्स पे फिलहाल अभी हाँ शाबाश, डिपेंड करता है। एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश मेरा बेटा, डिपेंड करता है। क्या चीज डिसाइड करेगी कि
मैंने कॉस्ट का लेना है या फेयर मार्केट वैल्यू का लेना है। सर के वो आपने वो कार अगर परचेज किया सर तो कॉस्ट पे लेंगे, अगर वो रेंट अ कार किया सर क्या तो बात फिर या है, लीज पे लेंगे फेयर अगर मार्केट एग्जाम्पल वैल्यू। कहे कि गाड़ी परचेज्ड है तो फिर आप कॉस्ट पे करेंगे, और फेयर मार्केट वैल्यू अगर लीज पे है। जी सर, आज की लीज लेनी है या जब गाड़ी लीज करवाई थी वो वाली, उस दिन की जब वैल्यू? करवाई थी आपने कहा, जब करवाई थी तब। क्या बात, एक्सीलेंट। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि इसको मैंने 10% से मल्टीप्लाई करना है या 5% से? सर मुझे इसमें पहले कंफ्यूजन सर तब कि इतना क्लियर नहीं हुआ था सर, बता रहे थे जी परसेंट यूज नादिर होगा 10% से नादिर करेंगे। अरहम, शाबाश। क्या करेंगे अगर पर्सनल यूज में है, अगर गाड़ी मैं ऑफिस के यूज में नहीं, मेरे पर्सनल यूज में है, मैं अपने ही यूज में कर रहा हूं, तो फिर 10% यूज करेंगे। और अगर अरहम दूसरा, ओके नाइस, 5% कब लेंगे? जब बोथ हो पर्सनल यूज भी हो बिजनेस यूज भी हो। अच्छा हाँ सही शाबाश। है सर, अगर सर आप उसको ऑफिस भी यूज कर रहे हैं, ऑफिस के कामों के लिए, और आप घर के कामों के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप ये लेंगे। अच्छा जी, उसके अकोमोडेशन को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं इसके साथ जी। 45%। सर एक क्वेश्चन था, अच्छा, अगर डैम में MTS भी गिवन हो और बेसिक सैलरी भी गिवन हो, तो आप 45% किसका लेंगे, बेसिक सैलरी का या MTS का? शाबाश, सर आपने कहा था फिर MTS का लेंगे। जी फिर आपने बेसिक सैलरी का नहीं लेना, लेकिन आज तक सर, कभी एग्जाम में ये आया नहीं है। आपने किसका लेना है, बेसिक सैलरी ही गिवन होती है उसका लेंगे, लेकिन अगर MTS गिवन हो तो उसका लेंगे। जी ओके अरहम, सर। आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे? जी सर मैं ये पूछ रहा था कि सर कि उस हाउस रेंट अलाउंस अलाउंस दी हुई है हमें 30,000 और सर उसकी मार्केट वैल्यू 40,000 है, तो सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? 40,000 लेंगे, 40,000 लेंगे। और हमने सवाल किया कि अगर कोई घर दिया मुझे जिसका रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो 30,000 है, जबकि उस घर का एक्चुअल फेयर मार्केट वैल्यू रेंट जो थी वो 40,000 है, तो क्या लेंगे? 40,000 लेंगे। अच्छा, ये फेयर मार्केट वैल्यू रेंट क्या होता है, पहले इसको भी जरा एक दफा सुन लें। इसको हम कहते हैं नॉर्मली ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू। एनुअल लेटिंग वैल्यू, ये सालाना वैल्यू होती है उसकी। एनुअल, जब भी ALV लिखा होगा ना, ये मंथ की नहीं होगी, ये इसका लफ्ज ही बता रहा है कि ये एनुअल लेटिंग वैल्यू है। अंडरस्टैंड, इसको फेयर मार्केट वैल्यू कहते हैं। ये जो पाकिस्तान में डेप्यूटी कलेक्टर है ना, उसने रेट्स दिए हुए हैं, नेट पे जाके देखिएगा कि ALVs ऑफ द रेंट ऑफ द रिस्पेक्टेड एरिया, तो आपको पूरे पाकिस्तान के रेंट के रेट्स मिल जाएंगे। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डिफेंस, फेज 1, फेज 2, ब्लॉक 1, ब्लॉक A B C, सारे के सारे पूरे पाकिस्तान के रेट्स आपको मिल जाएंगे, और रिवाइज भी होते रहते हैं। इसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। तो इसका दूसरा नाम है ALV, एनुअल लेटिंग वैल्यू। तो अगर रेंट भी गिवन हो, और फिर अगर रेंट फॉर एग्जांपल होता 50,000 और उसकी FMV होती 40, तो फिर हमें 50 लेना था, इनमें से हायर उठाते और फिर उसको कंपेयर करते 45% ऑफ द बेसिक सैलरी के साथ। इस क्लियर, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर एक्सक्यूज मी हमने सर, जी कमर, सर अगर हमारे पास जो फेयर मार्केट वैल्यू है सर, वो ट्रांसफर्ड हो या फिर राइट टू ट्रांसफर हो, तो सर उस केस में हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर या राइट टू ट्रांसफर क्या होती है, जरा मुझे वो बताएंगे पहले? सर ट्रांसफर ये होती है ना कि मैं पूरा पूरा उसका यानी कि एसेट जो होता है वो हमारे नाम पर हो जाए, और राइट टू ट्रांसफर यानी कि उसको यूज करने के लिए हम अपने पास रख लें। ये तो बात ही हो रही है कि एसेट हमें मिला ही नहीं। हम तो अकोमोडेशन का वर्ड यूज ही उसी वक्त करेंगे जब हमें घर सिर्फ रहने के लिए दिया गया है। जब हमें घर रहने के लिए दिया गया उस वक्त ये अकोमोडेशन है। अगर घर ट्रांसफर कर दिया गया तो फिर तो उसका प्रिंसिपल ही और है। फिर उसका प्रिंसिपल ये वाला है, कोई भी एसेट एम्प्लॉय को दे दिया जाए उसका एक ही असूल है, उसके अंदर कोई बाइफरकेशन नहीं है, उसका एक ही असूल है। वो एसेट था कितने का, आपको मिला कितने का, जितनी आपको राइट की गई, जितना आपको डिस्काउंट मिला, दैट इज योर बेनिफिट, दैट्स इट, वही आपका बस बेनिफिट।
ठीक है ना, तो ठीक ठीक एसेट ट्रांसफर किया जाएगा उसका एक ही रूल है। यहाँ पर ये मुझे एसेट दिया नहीं गया, ना मेरे पास इसके राइट्स हैं ट्रांसफर करने के। जी, उसके बाद हमने मेडिकल अलाउंस को डिस्कस किया था, इफ यू डू रिमेम्बर। मेडिकल अलाउंस, यस सर, ये किया एग्जाम्ड अप टू सर 10% ऑफ द बेसिक सैलरी सर। शाबाश, दिस इज एग्जेम्ड अप टू 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। अच्छा, अगर एग्जाम में एमटीएस भी गिवन हो तो बेसिक सैलरी को लेंगे, एमटीएस को लेंगे? सर इसमें आपने पूछा, सर मेरे ख्याल से एमटीएस एमटीएस ही बेसिक लेंगे सर। सैलरी लेंगे। बेटा देखें, मैंने यहाँ पर कितने जोर से बताया था कि अगर एग्जाम में हो तो एमटीएस को लेंगे। यहाँ कोई मैंने ऐसी बात की थी? तो नहीं सर आपने इसमें नहीं कहा इसलिए था। यहाँ पर मैं ना बताऊंगा तो यहाँ पर नहीं, अगर एग्जाम में एमटीएस गिवन होगा तो आपने फिर भी बेसिक सैलरी का ही लेना है, इसका एमटीएस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद हमने अलाउंसेस की बात की थी, सर मेडिकल अलाउंस। जी अरहम, आप बताओ, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल सॉरी फैसिलिटी जो है, ये मेडिकल फैसिलिटी की क्या टाइप्स आपको पढ़ाई हैं? जी अरहम, सर ये आपने बताया था अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। शाबाश। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब आपने ज्वाइनिंग दी तो उस यस वक्त सर, इसकी क्या पोजीशन थी? सर ठीक उसको है तो ना, आपने जब एनटीएस आपने ज्वाइन, सर्टिफिकेट, हाँ सर शाबाश, आपको एनटीएस याद है। एनटीएस एनटीएस सर्टिफिकेट है तो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। आपकी तस्वीर तो लगती है कि आप कोई पॉलिटिशियन जो है ना वो है, लेकिन आप तो पढ़ते भी हो वैसे। सर अब पॉलिटिक्स में शुरू कोई किया रुझान है आपका अरहम? अच्छा, नहीं नहीं सर, पॉलिटिक्स में नहीं, वैसी ज़्यादा पर्सनैलिटी ऐसी। वैसे अच्छा ठीक है। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और एक थी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट क्या है जी, क्या ट्रीटमेंट होगा हम इसका? इसमें एनटीएन और सर्टिफिकेट अगर आपने उनको दे दिया तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, शाबाश, अगर नहीं तो टोटली इसकी टैक्सेबल है। कंडीशन है कि आपने एनडीएन और सीएनआईसी उसका जो है वो एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, तो ये टोटली एग्जेम्प्ट होगी। और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स ना प्रोड्यूस किए तो फिर ये टोटली टैक्स होगी और ये टोटली टैक्सेबल होगी। शाबाश। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी के साथ अगर मेडिकल अलाउंस मिल जाए तो क्या मेडिकल अलाउंस की पोजीशन चेंज होगी, इसकी एग्जेम्पशन में फर्क पड़ेगा या नहीं? ये मेरा सवाल है। एग्जेम्पशन खत्म यस हो सर, जाएगा टोटल सर, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा मेडिकल लोन। टैक्सेबल होगा मेडिकल सर। फैसिलिटी, मेडिकल नहीं, सवाल आप मेरा गौर से सुने। मेडिकल अलाउंस मेडिकल फैसिलिटी के साथ मिले, क्या मेडिकल अलाउंस के आने की वजह से मेडिकल फैसिलिटी में कोई प्रोविजन में चेंज आएगी? ये जो रूल हमने लिखे हैं ए बी और सी, क्या इन रूल में कोई चेंज सर सिर्फ अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो गया सर, मेडिकल अलाउंस होल टैक्सेबल हो जाएगा। आएगी? मैं, आप देखें ना, मैं सवाल यही तो है प्रोफेशनल एजुकेशन। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे इसका इसके ऊपर इंपैक्ट बताओ। आप क्या कर रहे हो, मुझे इसका इसके ऊपर इंपैक्ट बता रहे हो? सर क्या ये मेडिकल आपके ऊपर? अलाउंस, सर मेडिकल अलाउंस देखें, है वो आपके ऊपर टोटली, आने, टोटली देखें मेरा सवाल आपने सुना। मैंने कहा कि ड्यू टू द मेडिकल, इफ मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड विद मेडिकल अलाउंस, वुड द मेडिकल फैसिलिटी टैक्स ट्रीटमेंट विल बी चेंज्ड और नॉट? ये मेरा सवाल है आपसे। मेडिकल फैसिलिटी जी सर नो, बस, कोई इसका इफेक्ट आंसर नहीं है पड़ता नो। सर। क्या बात, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, नो। यानी मेडिकल फैसिलिटी अकेली आपको एग्जाम में मिले या इसके साथ मेडिकल अलाउंस मिले,
उसका ये ट्रीटमेंट ऐसे ही रहेगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। ओके सर। अच्छा हाँ, अगर ये पूछा जाए कि भाई मेडिकल अलाउंस के साथ अगर मेडिकल फैसिलिटी भी आपको मिले तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, फिर आप बताएंगे कि मेडिकल अलाउंस शैल बी टोटली टैक्सेबल इफ इट इज प्रोवाइडेड विद मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रीटमेंट होगा। तो आंसर देना भी सीखें एग्जाम में, आंसर कैसे करना है। तो देखें नॉलेज, दिस इज नॉट, बल्कि उस नॉलेज के साथ आपका काम, आपके माइक में भी प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, ये हमारा एक रिवीजन हो गई। कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। सर अलाउंस इज गिवन अंडर कॉन्ट्रैक्ट देन एग्जाम एंड, ओके बिल्कुल ठीक है बेटा, शाबाश। ये एक मेरी बच्ची ने आंसर किया है, बिल्कुल सही इन्होंने उसका आंसर किया है। जी आज हमारे पास एक कैपिटल रिसीट आ रही है और ये एग्जामिनर का बड़ा एक फेवरेट एरिया ये भी रहा। ये जितनी भी चीजें करवा रहा हूँ ये सारी कभी ना कभी टेस्ट हुई हुई है एग्जाम के अंदर। ये है लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। ठीक, देखिए पहला तो एक बेसिक रूल है हमारे लॉ का, ये मेरी देखिए लोन जो है दिस इज नॉट माई रेवेन्यू रिसीट, ये तो मैंने पैसे वापस करने हैं। ठीक, इसी तरह अपने घर का बेचना ये भी मेरी कैपिटल रिसीट है, अपनी घड़ी बेच दी, अपनी पर्सनल कार बेच दी, ये सारी क्या चीजें हैं, ये कैपिटल रिसीट है ये। ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स के ऊपर पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं है अनलेस इट इज टैक्स्ड, दीज आर टैक्स्ड। अगर इस पे टैक्स लगा दिया जाए तो फिर टैक्स लगेगा, अदरवाइज इन चीजों के ऊपर टैक्स नहीं होगा, ये बात याद रखें। तो ये लोन एक ऐसी रिसीट है जो मेरा रेवेन्यू नहीं है। बेसिक सैलरी इज अ रेवेन्यू रिसीट, हाउस रेंट अलाउंस रेवेन्यू रिसीट, मेडिकल अलाउंस रेवेन्यू रिसीट, मैं काम कर रहा हूँ उसके मुझे उसके गेंस दिए जा रहे हैं। देखिए लोन तो आज मैंने 1 लाख रुपए का लोन ले लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो भाई कल को मैंने वापस कर देना है, ये तो मेरी इनकम नहीं है। लेकिन लॉ कहता है कि ये तुम्हारी इनकम है, कि क्या है तुम्हारी इनकम है। हमने कहा भी वो इनकम कैसे है, उसने कहा जो भी आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेंगे उसका 10% जब तक आप ये लोन वापस नहीं करेंगे आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा पर एनम। ये सुन ले क्या मैंने कहा कि क्या किया जाएगा, उस लोन अमाउंट को जो एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर से ली उसका 10% पर एनम, ये याद रखना है पर एनम उसकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अपने एम्प्लॉयर से 10 लाख रुपए का लोन लिया, ठीक है अमाउंट जरा बढ़ा लेते हैं ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। मैंने लोन लिया 15 लाख रुपए का, तो मेरी सैलरी में 1.5 लाख रुपए साल ऐड कर दिया जाएगा। और ये लोन अगर अगले साल भी मैंने वापस ना किया तो फिर अगले साल भी मेरी सैलरी में 1.5 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा, और अगले साल वापस कर दिया तो फिर वो मेरी सैलरी में ऐड नहीं होगा, उसका प्रोपोर्शनेट पार्ट होगा। एक बात ये आपको समझ आ गई। दूसरी कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा टैक्स ईयर, मेरा पहला टैक्स ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2018 से और एंड हो रहा है 30 जून 2019 को, सेकंड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 19 से 30 जून 2020 तक, मैंने अपने एम्प्लॉयर से 15 लाख रुपए का लोन लिया और वो लोन लिया मैंने इधर 1 मार्च 19 को, और मैंने ये लोन जाके उसको वापस कर दिया 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 2020 को। ठीक,
तो हमारे पास दो टैक्स ईयर है, एक है टैक्स ईयर 2019 और एक है 20। एक साल के लिए मैंने लोन लिया, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? 2019 के लिए हम करेंगे लोन अमाउंट 15 लाख इंटू 10% इंटू कितने माह रहा, मार्च अप्रैल मई और जून, इंटू 4/12, क्योंकि मैंने 4 माह के लिए लोन लिया ना, तो 1500 का इंटू 4/12। तो पहले साल मेरी सैलरी में 50,000 रुपया ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ कि जुलाई, ठीक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद जैन फेब मार्च, 3 6 और 3 9 हो गए। तो 2020 में क्या होगा कि लोन की कितनी अमाउंट मेरी सैलरी में टैक्स होगी, हम 2020 में लिखेंगे लोन इज इक्वल टू 1.5 मिलियन इंटू 10% इंटू 9/12, क्योंकि मैंने ये लोन अगले साल 9 माह यूज किया, तो 150 इंटू 9/12, तो अगले साल मेरी सैलरी में 1,12,500 रुपया मेरी सैलरी में ऐड होगा। ये बात मेरा बेटा समझ आ गई आपको? लोन का क्या तरीकेकार है कि उसका 10% आपकी सैलरी में ऐड होगा। पूरे साल के लिए है तो 10%, और अगर वो साल के कुछ हिस्से में है तो उसका टाइम फैक्टर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 माह के लिए है तो 9 माह के लिए, 12 माह के लिए है तो 12 माह के लिए कर देंगे। ये बात समझ आ गई आपको? अभी मैंने एक बात समझाई है, दूसरी बात अब सुनिएगा। शुएब, इट इज क्लियर? यस सर। जी। अच्छा, अब सुनिएगा, एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी बेनिफिट होगा एज पर लॉ, अगर इम्प्लॉई वो जो बेनिफिट ले रहा है, वो जो टैक्सेबल अमाउंट आ रही है, अगर इम्प्लॉई उसमें से कुछ बियर कर रहा है, वो उसकी पेमेंट वो खुद कर रहा है, तो वो उसमें से माइनस कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दूं। देखें, मेरा एक ड्राइवर है, ठीक, मैं कंपनी से कहता हूँ जी आप इसकी सैलरी आप दिया करें। उसकी सैलरी है 15,000 रुपया और मेरे पर्सनल यूज में है। असूल क्या होगा कि उसका 12 वो मेरी सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक। तो मेरी सैलरी की अमाउंट कितनी आ गई, 1,80,000। इम्प्लॉयर कहता है कि भाईजान ऐसा नहीं है, हम इसको 50-50 करते हैं, आधे पैसे हम आपकी सैलरी से काटेंगे, ये ड्राइवर तो आपका है, हमारा तो नहीं है ना, ये ऑफिस के काम करता है, तो आधी सैलरी आप इसकी बर्दाश्त करें, आधी हम आपकी तनख्वाह से काट दे, हम इसको दिया करेंगे 15,000, लेकिन उसके इवज हम 7,500 आपकी सैलरी में से काट लिया करेंगे। अच्छा, अब देखें इस तरीके में क्या ट्रीटमेंट होगा। अब देखिएगा, ड्राइवर की सैलरी कितनी थी, 15,000, लेकिन कंपनी कितना बर्दाश्त कर रही है, 50%। तो जितना एक्सपेंस कंपनी मेरे इवज मेरे पर्सनल यूज में दे रही है वही मेरा होगा, तो अब बेनिफिट कितना होगा मेरी सैलरी में, 90,000। ये बात समझ आ गई? ओके, अब चलते हैं आगे। इसी बात को जहन में रखना आपने। देखें, लॉ ये कहता है कि आपका जो लोन है, इस लोन का 10% आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा। मेरा सवाल ये बनता है कि अगर लोन कंपनी मुझे फ्री नहीं दे रही, कंपनी मुझे जो लोन दे रही है वो भी मेरे से कुछ परसेंटेज ले रही है, तो क्या फिर भी 10% ही आप मेरी सैलरी में ऐड करेंगे? लेट्स सपोज कि कंपनी ने मुझे लोन दिया, 4% लोन दिया उसने मुझे, ठीक है, तो फिर तो मैं भी तो कंपनी को कुछ पे कर रहा हूँ उस लोन के अगेंस्ट। लेकिन हर कंपनी पाकिस्तान में फ्री लोन तो नहीं देती आपको, कुछ कंपनियां चार्ज भी करती हैं। उस सूरत में लॉ ये कहता है कि अच्छा ठीक है, आपका बेनिफिट था 10%, तो चूंकि 4% तो आप कंपनी को दे रहे हो, अब आप क्या करो,
इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर लो। अब हम क्या करेंगे, 6% को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इनटू 6%, तो मेरी सैलरी में कितना ऐड होगा, फिर 90,000। और वही अगर टाइम फ्रेम पे है तो टाइम को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये एक चीज आ गई। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये लोन मुझे जो है ये 12% या 10% पे मिल जाए? देखे ना, मार्केट का रेट फॉर एग्जांपल 20%, एक दफा इंटरेस्ट रेट 20% पे भी गया था, तो कंपनी कहती है कि भाई हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम आपको 20% नहीं दे रहे बल्कि 12% पे दे रहे हैं। अच्छा, आप देखिएगा कि लोन अमाउंट कितनी है। हाँ, शेर जरा यार, ये माइक जरा कंट्रोल किया करो आप प्लीज, तो देखिएगा। अच्छा, तो देखिए 10% तो मेरा बेनिफिट था, मैं इसके अगेंस्ट की तो मेरी नेगेटिव अमाउंट आ गई ना, अब इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। देखिए, सैलरी में नेगेटिव अमाउंट नहीं आनी, ये बात जहन में बिठा के रखनी। मेरा ख्याल है अगर कोई बच्चा सैलरी के अंदर कोई नेगेटिव अमाउंट लिखा आया ना, तो शायद एग्जाम में उसको पास ना करे, फेल कर दे। तो सैलरी के अंदर कोई नेगेटिव अमाउंट नहीं आनी, सैलरी में कोई एक्सपेंस माइनस हो ही नहीं सकता, ये बात जहन में रखें। ये दो बातें आपको समझ आ गई, बेनिफिट है 10%, और अगर वो लोन आपको कोई परसेंटेज के साथ दिया गया तो आप क्या करेंगे, उसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब इससे जो अगला सवाल ये है कि क्या एग्जामिनर मुझे हर दफा ये परसेंटेज बताएगा कि नहीं, बता भी सकता है नहीं भी बताएगा। अगर तो बताए तो आप 10 में से माइनस कर दें, और अगर ना बताए तो इसको जीरो कंसीडर करना आपने। मुकेश जी, लोन इज प्रोवाइडेड, दैट्स इट। इसका मतलब ये इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया, इम्प्लाई को कर्जे हंसना है, तो फिर आपको जीरो लेंगे और 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बातें सबको समझ आ गई? और भाई, इतनी बातें समझ आ गई? ओके सर, ओके। अब हम कहते हैं इसकी एक्सेप्शन को डिस्कस करते हैं। एक्सेप्शन से क्या मुराद, कि व्हेन देयर इज नो टैक्स ट्रीटमेंट। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि एक एम्प्लॉई लोन ले, इंटरेस्ट फ्री लोन ही ले, और उसकी सैलरी में कुछ भी ऐड ना किया जाए? द आंसर इज यस। पहला, इफ लोन अमाउंट इज अप टू रुपीज 1 मिलियन, अगर ये लोन जो है ये 1 मिलियन तक है, 10 लाख तक, एक एम्प्लॉय ने 5 लाख लोन लिया, 6 लाख लोन लिया, 10 लाख, 10 लाख तक कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, 10% पे लें, 0% पे लें, आपकी सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा, ये इसकी एक्सेप्शन है। दूसरी चीज कि अगर आपके भी पैसे एम्प्लॉयर के पास पड़े हुए हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, और आप अपने एम्प्लॉयर से उस पे इंटरेस्ट नहीं ले रहे, ठीक होगी बात? अब सुनिएगा दोबारा, इम्प्लॉयज के पैसे भी इम्प्लॉयर के पास उसके अकाउंट में पड़े होते हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे इस बात को। तो और इम्प्लॉय कहता है जी मैं सूदी निजाम पे नहीं चलना चाहता, आप मेरे अकाउंट पे इंटरेस्ट नहीं देनी आपने, तो लॉ कहता है ठीक है, इस बंदे के लिए भी ये जब भी अपने इम्प्लॉयर से लोन लेगा, ये बेशक 10 लाख से ज्यादा ही हो, इसको भी इसकी सैलरी में भी कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। अंडरस्टैंड? दूसरा क्या है, इफ इंटरेस्ट इज वेव्ड बाय द एम्प्लॉई, अगर ये एम्प्लॉई जो है वो छोड़ दे अपना इंटरेस्ट। मैं आपको एक दोबारा एग्जांपल दूं, जैसे प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयज के वहां पर लाखों रुपया पड़ा हुआ है, 50 लाख पड़ा हुआ है प्रोविडेंट फंड में, मिलेगा कब, जब रिटायर्ड होगा, जब कंपनी छोड़ के जाएगा। वो कहता है जनाब आपने मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना, ठीक है, आपने मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना। वो कहते हैं जी ठीक है, तो इसमें उसको पैसे मिलेंगे, वो पैसे कब मिलेंगे, जब ये छोड़ के जाएगा। लॉ कहता है इस एम्प्लॉय के लिए ये सेक्शन ही अप्लाई नहीं होगा,
जब तक ये इस कंपनी में काम करता रहेगा, ये जब भी लोन ले इस कंपनी से, ठीक है, जितना भी लोन ले इसके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक होगी बात। अब जरा इसको टेक्स्ट पढ़ते हैं, फिर कुछ इसकी समझ आती है हमें। लोन ऑब्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉई फ्रॉम एम्प्लॉयर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002, जाहिर बात है हमें जो पेपर में आएगा वो इसके बाद ही आएगा, विच इज इंटरेस्ट फ्री यानी 0% पे है और एट लोअर रेट देन द बेंचमार्क रेट। बेंचमार्क क्या है? 10%। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रेट जो आप इंटरेस्ट कंपनी को दे रहे हैं, एक्चुअल मीन जो एम्प्लॉई कंपनी को दे रहा है वो वाला, एंड द बेंचमार्क रेट शैल बी इंक्लूडेड इन हिज टैक्सेबल सैलरी। ये प्रोविजन है, ये आपने याद करनी है बस। आगे वो कहता है जी एक्सेप्शन, दिस प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस वेयर द लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 1 मिलियन। 1 लाख, 10 लाख, 1 रुपया ले लेंगे ना, तो आप मसलन आपने ले लिया जी 10 लाख और 1 रुपया, अब इसका 10% ऐड हो जाएगा आपकी सैलरी में। ये नहीं कि 1 रुपया ऐड होगा, नहीं, फिर सारी अमाउंट टैक्स हो जाएगी 10% पे, वो आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी। वेयर सच बेनिफिट इज एक्सटेंडेड बाय द एम्प्लॉयर ड्यू टू द वेवर ऑफ इंटरेस्ट बाय सच एम्प्लॉई ऑन हिज अकाउंट। जी पेज नंबर सर, इसका पेज नंबर बुक में बता देंगे सर आप काइंडली, इसका पेज नंबर सर बता दें बुक में। पेज नंबर मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 24। थैंक यू सर। Where such benefit extended by the employer due to the waiver of interest by such employee on his account, on his account, on his account से क्या मुराद है? जो employee का account है, यानी जो employee के पैसे employer के पास पड़े हुए हैं, company के पास है, वो उस पे छोड़ देता है, तो उसके लिए भी, तो दो condition exceptions आ गई। अच्छा, अब इसका theoretical question भी आ सकता है exam के अंदर। वो कह सकता है जनाब मिस्टर ए ने लोन लिया है, कंपनी से उसको एडवाइस करें कि क्या करना है उसने, उसका क्या उसके ऊपर कोई टैक्स इंपैक्ट होगा या नहीं होगा, तो फिर आप उसको एडवाइस करेंगे कि जनाब इस लोन का अगर तो ये लोन इससे ज़्यादा है तो फिर आपको इसका 10% आपकी सैलरी में ऐड किया जाएगा, ठीक, और अगर ये लोन 10 लाख तक है तो फिर कुछ भी ऐड नहीं किया जाएगा। ये आपने उसको एडवाइस करनी है। ये सेक्शन हो गया ख़त्म यहाँ तक, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल इसका कंपोनेंट नंबर 2 है। ये पहली बात मैंने की लोन लेने की, लोन लेने की, अब मैं बात करने लगा हूं इस लोन का इस्तेमाल। क्या बात करने लगा हूं? इस लोन का इस्तेमाल। तो यहां तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ ले, फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। ये बहुत दफा एग्जाम में टेस्ट हुआ लोन। सर ये आपने तो आपने जो नोट्स लेके इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो ये काइंडली दिखा दें एक बार। ये वाले जी, यही वाले, बिल्कुल इस वन, ये ले जी सर, यही वाले। इट्स ओके? यस सर, हो गए। अच्छा सर, ले ली जी जी सर। अगर एम्प्लॉयर जो है वो अपने एम्प्लॉय से कोई इंटरेस्ट ना लेने बोलते क्या होगा? वही तो मैं बता रहा हूँ, अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो फिर 10% उसका, अगर ये अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है तो आपकी सैलरी में ऐड होगी, और अगर इंटरेस्ट लेगा तो उस अमाउंट को ये 10 में से माइनस कर देंगे उस परसेंटेज को। अगर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो 10% उसका ऐड करना है हमने पेपर में, और अगर एम्प्लॉयर इंटरेस्ट ले रहा है अपने एम्प्लॉय से उस लोन के ऊपर तो 10 में से माइनस कर देंगे। ओके, जैसे प्रैक्टिकली ये चीजें होती है पाकिस्तान में या नहीं? नहीं होती प्रैक्टिकली। ठीक, प्रैक्टिकली तो हमने कभी बहुत कम देखा है लाइफ के अंदर कि इसकी सैलरी में कोई ऐड करता हो।
ठीक है जी, चले। तो लोन जो एम्प्लॉय ने लिया, लोन, तो एग्जाम में आपको इसकी दो चीजें आ सकती हैं। नंबर वन, लोन टेकन, उसका क्या मैंने ट्रीटमेंट बताया कि लोन अमाउंट इनटू 10% माइनस, अगर कोई एम्प्लॉई दे रहा है तो उसकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा सब्जेक्ट टू द एक्सेप्शंस। अब है वो सवाल ये पैदा हुआ कि उस एम्प्लॉई ने इस लोन को यूटिलाइज कहाँ किया, यूज कहाँ किया, उसने इस लोन को यूटिलाइज कहाँ किया। देखिएगा, लॉ ने इसकी क्या क्या कंडीशंस बताई। वो कहता है हो सकता है कि ये घर बनाने के लिए लोन का इस्तेमाल करे, ठीक, इसका घर बनाने के लिए इस लोन को इस्तेमाल करे। दूसरा, हो सकता है कि वो किसी पर्सनल यूज में इसको ले आए, ठीक, और तीसरा ये है कि वो इसकी कोई टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज कर ले, कोई बिजनेस या किसी कारोबार में इसको इस्तेमाल कर ले, ठीक हो गया। अच्छा, अब सुनिएगा, अज्यूम करें कि मैं इम्प्लॉई हूं, तो मेरा जो एम्प्लॉयर, नहीं, मैंने जिससे लोन लिया उसको अज्यूम करें कि वो एक बैंक है। क्या है वो? HBL या ABL, कोई बैंक है, मैंने उससे लोन लिया। अज्यूम, मैंने कहा अज्यूम करें कि जो मेरा एम्प्लॉयर है वो ऐसे ही है जैसे एक बैंक है। लॉ ये कहता है कि भाई आप अगर लोन को यूटिलाइज करेंगे बिजनेस के लिए, तो आपको इसमें जो बिजनेस में आपको इनकम आएगी, उस इनकम में से लेट्स सपोज के वो सेल है, फिर आप करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक्सपेंसेस आप उसके माइनस करते हैं, तो जहां आप बाकी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, आप इस लोन का 10% या हायर अगर आपने पे किया है वो भी आप माइनस करेंगे, ठीक। यानी ऐसे ही है जैसे आपने किसी बैंक से लोन लिया और बिजनेस में इस्तेमाल किया, तो ये आपकी फाइनेंशियल कॉस्ट बन गई। तो डबल ट्रीटमेंट होगा, एक तरफ आपकी सैलरी में ऐड हो रहा होगा और दूसरी तरफ ये आपको एक्सपेंस भी मिल जाएगा, अगर मिल सकता है तो। अगर आपने ये लोन पर्सनल यूज में कर लिया तो फिर इसका फर्दर कोई ट्रीटमेंट, फिर सिंगल ट्रीटमेंट एक ही होगा कि आपकी सैलरी में वो अमाउंट ऐड की जाएगी। और तीसरी चीज कि अगर आपने उस लोन को घर बनाने के लिए लैंड और बिल्डिंग की कोई एक्विजिशन के लिए या उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया, तो फिर ये आपका डिडक्टेबल अलाउंस होगा। मीन ये जो आप जो आपका जो अमाउंट है इंटरेस्ट की, ये आपकी टोटल इनकम को कम करेगी। तीन यूज मैंने बताए हैं, या तो आपको एक्सपेंस मिलेगा एम्प्लॉय को, या उसका डिडक्टेबल अलाउंस होगा, वन टू और थ्री, या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। अच्छा, इसको टेक्स्ट में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल इसकी करवाता हूँ। एम्प्लॉय ने लोन को कहाँ इस्तेमाल किया? इफ एन एम्प्लॉय यूटिलाइजेज अ सेट इंटरेस्ट फ्री लोन और कंसेशनल लोन टू जनरेट एनी टैक्सेबल इनकम अगेंस्ट विच इंटरेस्ट एक्सपेंस डिडक्टेबल, देन इंटरेस्ट एक्सपेंस शैल बी अलाउड टू द बेंचमार्क रेट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल पेड। यानी फिर आपने सिर्फ 10% या एक्चुअल विच एवर इज हायर को लेना है। अब हम एक सवाल करते हैं, उससे फिर आपको समझ आएगी। मिस्टर ए इज एन एम्प्लॉई ऑफ एक्स वाई जी लिमिटेड एंड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। बेसिक सैलरी पर मंथ 1 लाख, अदर टैक्सेबल अलाउंसेस आर 25,000। मिस्टर ए ऑब्टेन अ लोन ऑफ 1.6 मिलियन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन 1 जन एट 8% इंटरेस्ट। ही स्टार्टेड अ पार्ट टाइम बिजनेस एंड यूटिलाइज द लोन फॉर बिजनेस। हिज ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून वॉज
1.9 मिलियन एंड एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट आर 1.7 मिलियन एंड ऑन 30 जून ही रीपेड द लोन टू द एम्प्लॉयर, उसने पे कर दिया। जी अब इस सवाल को पहले हल करते हैं, अगर आपके पास किताब है तो उसको जरा अपने पास रख लें और मुझे इसकी अमाउंट आपने बताते जाना। देखें जी, अब इसमें दो इनकम है, एक है उसकी हम लिखेंगे मिस्टर ए रेजिडेंट इंडिविजुअल और टैक्स ईयर है जी, अज्यूम करें कि हमारा 2020 ही है और इसमें लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो एक उसने हमें सैलरी की बात बता दी कि जनाब उसकी सैलरी है, तो पहला हेड हमारे पास क्या आ गया, इनकम फ्रॉम सैलरी का, और उसमें पहली चीज क्या है, बेसिक सैलरी। That is rupees 1.2 million. और दूसरा उसने कहा जी अलाउंसेस, कोई अलाउंसेस है जो टोटली टैक्सेबल है, $300,000। ठीक, और तीसरी चीज थी लोन, लोन कितना था जी, 16 लाख रुपए का ये था जी लोन, 15 लाख से ज्यादा फर्स्ट जनवरी को उसने लिया, 8% इंटरेस्ट है। तीन चीजें आ गई, अब हम इसके इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं जी। लोन फ्रॉम एम्प्लॉयर 1.6 मिलियन इंटू 10% तो उसका बेनिफिट है ना, 8% पे वो दे रहा है, वो तो कंपनी को दे रहा है, ठीक, इनटू तो जनवरी से जून तक उसने इस्तेमाल किया तो हम करेंगे 6/12, तो ये आ जाएगा 16 लाख इनटू 2% 32,000, ये आ जाएगा 16,000। बेटा सबको ये बात समझ आ गई है? Yes, चलो, तो उसकी आगे जी 15,16,000 टैक्सेबल सैलरी आ गई। दूसरी उसने बिजनेस की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है, जो उसका बिजनेस भी है बिजनेस इनकम में उसने कहा कि उसकी सेल है, कितनी सेल है जी उसकी, 19 लाख की, जी बेटा किताब प्लीज आप सामने रखा करें, उसकी 19 लाख की सेल है और 17 लाख के उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके जो अदर एक्सपेंसेस हैं वह जी 1 पॉइंट ये माइनस करेंगे, प्लस इसमें ये जो लोन उसने यहां इस्तेमाल किया उसका अब इंटरेस्ट भी हम क्लेम करेंगे, इंटरेस्ट का क्या असूल है, लोन अमाउंट इनटू, अब यहां माइनस नहीं करना, क्या करना है आपका बेंचमार्क और एक्चुअल विच एवर इज हायर, दोबारा सुनने, इनमें से जो हायर अमाउंट है इन दोनों में से वो आपने यहां लिखनी है। हायर अमाउंट क्या है बेटा, 10 या 8 क्या लिखूं यहां पे, 10 सर, 10% है, 10% मैंने कहा कि वो कहीं 8 ही ना हो, ठीक है जी, इनटू 6/12 तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 80,000 80,000
शाबाश, तो मेरी बिजनेस इनकम कितनी आ गई, माइनस 1,20,000। किसी को माइक पर तुम्हारे वैसे से वो बहुत बुरा इतना किसी नहीं था। हाँ जी को हाँ माइक बहुत डिस्टर्ब। जी बेटा, ये माइक जरा ऑफ कर दें अपना, ये आ गया जी, अब आ गया जी 1,20 प्लस 15 16, ये आ गया जी 16,36,000, ये अमाउंट। मैं इसको क्या लिखूंगा, टैक्सेबल इनकम, क्योंकि मेरे पास कोई डिडक्टेबल अलाउंस है, टैक्सेबल इनकम आ गई। चलिए क्वेश्चन तो हमारा यही था, हम इसको आगे भी लेके चलते हैं, इसकी टैक्सेशन भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के तौर के ऊपर। एग्जाम में अगर उसने टैक्स नहीं पूछा तो आपने खाम खा नहीं कैलकुलेट करना, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ कि इसकी हम टैक्सेशन भी करते हैं। इंडिविजुअल है तो यहाँ लिखना पड़ेगा ये सैलरीड है या नॉन सैलरीड, उसके लिए क्या करेंगे, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। ठीक, तो हम करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया जी 92%। ये एग्जाम में लिखना नहीं है, तो हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, सैलरीड केस। तो टैक्सेबल इनकम कितनी है, 16,36,000 रुपया। तो इसके टैक्स रेट्स देखते हैं, स्लैब थ्री, स्लैब थ्री में शाबाश क्या लिखा हुआ है, 30,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 1.2 मिलियन। यार मैं जीएटी भूल गया हूँ, कहा था, ये था जी, क्या है इसमें शेयर, 30,000 प्लस 10% ऑफ एक्सीडिंग अमाउंट 1.2 मिलियन। 30,000 प्लस 12%, 12%, 10%, 10%, 10%, ये कहां से देखा जा रहा है, ये रेट आपको एग्जाम में गिवन होंगे, ऑफ द अमाउंट 16,36,000। एक्सीडिंग 1.5 मिलियन, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, तो क्या आएगा, 16,36 माइनस 12 × 2.1 प्लस 30,000, 73,600। क्यों जी, इस ओके ठीक है जी। तो दो प्रिंसिपल्स इस क्वेश्चन में हमने किए कि अगर लोन मिले और उस लोन को हमने यूटिलाइज करना है। आपकी एक असाइनमेंट है, आपकी एक असाइनमेंट है, उसको आपने मुझे करके व्हाट्सएप बेशक कर दें, ठीक है, या कल उसको अपने पास रखिएगा। असाइनमेंट ये है कि कैलकुलेट द टैक्सेबल अमाउंट इफ अ लोन ऑफ ₹2 मिलियन वॉज टेकन ऑन January 1st 2020 and this amount is repayable in 10 equal installments on monthly basis। ये जी आपकी असाइनमेंट है, देखते हैं कौन इसका
इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है। सर एक्सक्यूज मी एम्प्लॉय सर, को कब जन स्टार्ट हो रही है जी जनवरी इंस्टॉलमेंट, स्टार्ट कब से हो रही है? यानी जनवरी में तो उसको लोन मिला ना, ये देखें जनवरी में उसको लोन मिला जनवरी फर्स्ट में, तो पहली सैलरी जनवरी की उसको कब मिलेगी जाके, फरवरी में। ठीक, उसमें से 2 लाख रुपए उसका काट लिया जाएगा जो उसकी अमाउंट है। ठीक है, तो पहली किस्त यहाँ कटेगी, दूसरी उसकी मार्च में कट जाएगी, 2-2 लाख रुपए उसका हर महीने कटना है। ओके, तो आपने इसका मुझे आंसर कल बताना है कि सर इसका ये आंसर है। ओके, सर ये टैक्सेबल ये अमाउंट किस डेट पे चाहिए? सर टैक्स ईयर 2020 की, टैक्स ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी की एक्सक्यूज कब खत्म होगा, ये 30 जून को। नॉर्मल है ना टैक्स ईयर। ठीक है जी, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट इसका। जी आगे ये सर चलते ले हैं जी, उसको जरा अब इसके नोट्स पढ़िएगा जरा। नोट से मुराद ये है कि खालिद साहब वो चीजें जो एग्जाम में टेस्ट हुई हुई देती हैं वो आपको देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको आपने रीड करना है। आप सुनिएगा, इफ एन एम्प्लॉई यूटिलाइजेज अ सेड लोन टू अर्न एनी टैक्सेबल इनकम अंडर एफटीआर, इफ ही परचेज शेयर ऑफ द कंपनी एंड अर्न डिविडेंड, देन नो एक्सपेंसेस आर अलाउड। एफटीआर के अगेंस्ट, ये एफटीआर क्या है, ये बाद का मसला, अभी सिर्फ ये सोच लें कि अगर किसी इनकम के अगेंस्ट एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो एक्सपेंस नहीं मिलेगा, ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है भाई। अगर एक्सपेंस अलाउ है तो मिल जाएगा, अगर उस इनकम के अगेंस्ट लॉ कहता है एक्सपेंस अलाउ है ही नहीं, कि कोई भी एक्सपेंस अलाउ नहीं है, तो ये भी नहीं मिलेगा। इसलिए एफटीआर एनटीआर का कोई सोचने की जरूरत है ही नहीं, बस यही सोचना आपने। दूसरी बात, ठीक है इसको भी ना सोचें, ठीक है इसको बाद में पढ़ाऊंगा। इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट बीइंग चार्ज बाय द एम्प्लॉयर इक्वल टू और मोर देन द बेंचमार्क रेट, देन देयर वुड बी नो टैक्स ट्रीटमेंट इन सैलरी। मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 10% है और आप 10% पे ही आपने लोन लिया हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, नो। और अगर 10% बेंचमार्क है और आपने 12% पे लिया हुआ है तो फिर भी क्या ट्रीटमेंट होगा, नो। ये बात की जा रही है यहाँ पे। इफ एन एम्प्लॉई ऑब्टेन अ लोन फॉर द एम्प्लॉयर सच अ लिस्टेड कंपनी, ये शर्त है इसकी। ये चैप्टर 2 में मैं जाके आपको रिपीट करवाऊंगा, ये चैप्टर नंबर 2 में मैं आपको रिपीट करवाऊंगा। एक लिस्टेड कंपनी से लोन ले एंड यूटिलाइजेस इट फॉर द एक्विजिशन ऑफ हाउस, देन द प्रॉफिट ऑन डेट इज डिडक्टेबल फ्रॉम द टोटल इनकम वेदर प्रॉफिट इज गिवन ऑन रेंट और लॉस। इन दिस केस एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट इज डिडक्टेबल इंस्टेड ऑफ बेंचमार्क, इसमें एक्चुअल आपको जो है वो अलाउ होगा। अच्छा अब सुनिएगा, हम इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने किया, मैं इसको चेंज करने लगा हूँ, क्या मैं इसी क्वेश्चन को चेंज करने लगा हूँ। हम कहते हैं, ये ध्यान से सुनना आपने, सेम क्वेश्चन है, मैं इसको चेंज करने लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि उसने ये 16 लाख रुपया बिजनेस में इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसने एक घर लिया 40 लाख का, उसमें ये पैसे डाल दिए। 40 लाख का एक घर लिया और उसमें ये 16 लाख रुपया इस्तेमाल कर लिया। अब ट्रीटमेंट क्या होगा सुनिएगा, उसने बिजनेस में से इस्तेमाल नहीं किया ना, तो इंटरेस्ट अलाउ नहीं होगा। क्यों जी, इतनी बात समझ आ गई सबको? तो बिजनेस इनकम कितनी आ जाएगी, 2 लाख रुपया। अब हमारी टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, मैंने अजम्पशन लिया बेटा, बार बार मैं कह रहा हूँ अजम्पशन, ये आ जाएगी 17,16,000। अब इसको कहेंगे टोटल इनकम, क्योंकि अब मेरे पास इस क्वेश्चन में डिडक्टेबल अलाउंस मौजूद है। अब मैं लिखूंगा लेस डिडक्टेबल
अलाउंस, ठीक, वो क्या था, मैंने लोन लिया था घर के लिए, लोन लिया कितना था, 16 लाख इंटू, अब देखिएगा, अब विच एवर इज हायर वाली कंडीशन नहीं चलनी यहाँ पे, एक्चुअल लेना है, एक्चुअल कितना था, 8% इंटू 6/12, तो 16 इंटू एट परसेंट 64,000 जी, तो 64,000 आ गया जी हमारे पास, तो मेरी टैक्सेबल अमाउंट क्या आ गई, 16,52 000 जी 16 सिक्सटीन फाइव फाइव टू टू ट्रिपल जीरो ये आ गया। अब सवाल मेरा ऐसे होगा, मैंने उस सवाल में क्या किया कि सिर्फ ये मॉडिफिकेशन की कि उसने ये वाला लोन घर बनाने में इस्तेमाल किया, ठीक, अब वो उस तरफ आए जो मैंने समरी दी थी, ये देखो लोन की, ये पिक्चर जरा बेटा उतार लें आप, ये इसको इसका प्रिंट स्क्रीन ले लें आप। अच्छा, लोन के रिगार्डिंग जितनी चीजें मैंने करवाई हैं, अब इंशाल्लाह वज्जा जल, इससे ज्यादा आपको पेपर में नहीं मिलेगी। अब आप पिछले बेशक 20 साल पेपर निकाल लें, ठीक है, ये जो मैंने आपको चीजें, अंग्रेजी आगे पीछे हो जाए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। क्या सिचुएशन है, नंबर वन कि आपको एग्जाम में लोन मिलेगा, और हो सकता है कि वो लोन इंटरेस्ट फ्री हो, तो आप क्या करेंगे, उसका 10% ऐड करेंगे, अगर कुछ इम्प्लॉय ले रहा है तो वो माइनस कर देंगे, फिर उसकी यूटिलाइजेशन बताई जा सकती है, हो सकता है किसी टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज हो, पर्सनल यूज में हो, या घर के लिए इस्तेमाल हो, अगर वो लोन घर के लिए इस्तेमाल हो तो फिर आप क्या करेंगे, उसका वो कर लेंगे। अच्छा, बाजू का स्टूडेंट ये कहते हैं सर अगर दोनों जगहों पे इस्तेमाल कर लें तो क्या हर्ज है, कर लें, क्या फर्क पड़ेगा, कर लें भी दोनों जगहों पे, बस ना आप कहते हैं जी उसने 8 लाख रुपया इधर इस्तेमाल कर लिया और 8 लाख उसने घर में इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, कोई मसला नहीं, तो यहाँ क्या करेंगे, बिजनेस के लिए उसका 10% इंटू 6/12 आप एक्सपेंसिव डाल दें बिजनेस में, और इसका 8% इंटू 6/12 जो है वो डक्टेबल अलाउंस में डाल दें, जितना लोन जहां पर इस्तेमाल हुआ उसको वहां कर लें। एक स्टूडेंट कहता है सर अगर मैं ये कहूं कि उसने जो है वो 5 लाख इधर इस्तेमाल कर लिया, 5 लाख इधर इस्तेमाल कर लिया, और बाकी उसने जो है वो 6 लाख रुपया पर्सनल यूज में ले आया, शादी करवा ली, ठीक है, तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा, भाई कोई ट्रीटमेंट नहीं, जो बिजनेस में जितनी अमाउंट यूज की है उसका 10/6 इधर डाल दें, इसका 8/8% इंटू 6/12 इधर डाल दें, और इसको छोड़ दें जो पर्सनल यूज में है। अगर एक बच्चा कहे कि नहीं सर ऐसे करते हैं कि उसने यहाँ पर जो था वो 6 लाख इधर इस्तेमाल किया, 6 इधर इस्तेमाल किया और 4 इधर इस्तेमाल किया, तो भाई ऐसे कर लें सर, आज इधर ही कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर क्यों जी, तो सही है, अफतारी सहरी इधर ही फिर कर लेंगे भाई, इसी काम पे लगे यस रहेंगे। हाँ सही होगा जी, यही होगा ना, तो भाई बात ये है कि बेसिक लॉजिक समझने की जरूरत है कि एग्जाम के अंदर मुझे क्या प्रोस्पेक्टिव गिवन होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करना है। ये था जी आज हमारा लोन का इशू, अगर इम्प्लॉय को मिले कब लोन का इस्तेमाल, कब वो अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगी, टैक्सेबल अमाउंट कितनी है, 10%, कहाँ लिखी है, लॉ में लिखी हुई है, इसी को लेना, खुद से कोई अमाउंट और नहीं करनी। वमा अलैना इल्लल बलाग अल मुबीन, तो बेटा क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।